बोल बेटा जी मोहम्मद इस्पान शरीफ का नाम क्या शरीफ आपका नाम मेरा नाम इस्पान शरीफ मेरे बेटे का नाम मोहम्मद इस्पान शरीफ मेरा बेटा हमारे ससुराल के घर में गया था नानी के घर में जहाँ वो खेलों को रहने की वजह से उसे इलेक्ट्रिक शॉट हो गया बच्चा ज़रा बहुत ही सीरियस हो गया था अल्लाह अफजल नॉर्मल है आई सी यू में रखो एडमिट कर दो आउट ऑफ कंडीशन बता रही मगर वो अब ऐसी हालत में हमारे बच्चे के ऊपर इतना बड़ा हादसा होने के बाद जो हमारे घर का ऑनर है माल के मैं जो बोल रही हूँ आप इमिडिएटली घर खाली कर दो ऐसा घर का हादसा होने की वजह से बोल रही हूँ एक तसल्ली की बात बोले नहीं उल्टा खाली करने की बात से कर रही हूँ ऐसा हमारे बच्चे के ऊपर इतना बड़ा हादसा हो गया है तसल्ली दे नहीं ये कितने बजे हुआ है ये 4:30-5 बजे हो गए हैं अच्छा कैसा हुआ है इलेक्ट्रिक हमारे बच्चे सेकेंड फ्लोर के ऊपर खेल लगो बाहर हाथ डाल लगो थे वो वायर लग को उनको शॉर्ट हो गए उनको और बॉडी जिसम को एक ये हो गए बर्न हो गए डॉक्टर 30-40% बर्न हो गए फिर भी कंडीशन आउट ऑफ कंडीशन के उसमें ही अल्लाह का फजल होता है बोल रही हो ऐसा हो गया है वजह से हमारा जो घर के मालिक थे उल्टा तसली दिए नहीं ऐसी बात हम ना करवा उसके ऊपर अभी ज़्यादा ना दर्द पहुँचाया अभी आज के मामले में मेरा नाम तनवीर अहमद जोर से बात मैं ये बच्चे का ताया हूँ जो अब घर के मामले में बोले शरीफ साहब सिविल कॉन्ट्रैक्ट शरीफ बोल को मैसूर के हमारे MLA साहब तनवीर शेख साहब के घर के नीचे में थी तो उनको 8 साल से वो घर में हमारे अभी साहब के दूसरे घर में ही तो उसका टाइम भी हो गया वो टाइम छोड़ने की वजह से हमें घर छोड़ डाल दी और ये हादसा पहला नहीं इससे पहले भी बच्चे को उस घर के अंदर खानदान के एक इलेक्ट्रिक पाइप मारने में शक्कों को वो बच्चे की ये खुद तकलीफ हो गई थी तो ये दूसरा बच्चा हमारा घर का ये हो रहा ना हादी से गुजरी ना घर के सामने जो इलेक्ट्रिक है वही जो है उसे पूरा क्या भी बंदोबस्त करको नहीं प्रॉब्लम हो रहा ना बोलो घर छोड़ती बोलते 8 लाख रुपये नहीं दे रही कभी क्या बोलती बोलते पुलिस करेंगे तो क्या भी चलता नहीं वही तनवीर शेठ के साथ रहने वाला फोन कहाँ भी जाकर क्या भी कर ले तो होता नहीं हमारे तनवीर शेठ साहब का नाम खुद मिसेज कर रही तो मैं एक गुजारिश क्या कर सकता हूँ हमारे मिनिस्टर साहब को अल्लाह तनवीर शेठ साहब को ऐसे आदमियों को ज़रा दूर रखे तो बेहतर है क्योंकि हमें भी उनके फॉलोअर हमें भी चाहने वाले हमें भी पार्टी के अंदर ही हमें जो काम अब तक तनवीर शेठ साहब का नाम ले वो मिस यूज़ कर को नहीं हमें करना पसंद भी नहीं करते जैसे कि आप सब देख रहे हैं वर्कर्स भी ही सोशल वर्कर्स भी जिम्मेदार भी इनके ही बारे में हमें सुनी अब तक ऐसा नाम किसी भी बदनाम कर को नहीं शेठ साहब का ये शरीफ साहब के वास्ते बुलाकर स्टेशन के अंदर बात कर को उनके 8 लाख रुपये पहुँचाना वापस घर को और बच्चे के वास्ते कुछ ना कुछ करना हो डिपार्टमेंट की इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की भी गलती है जो वैरान के ऊपर फ्यूज डाल को नहीं ओपन नहीं हवा की वजह से बच्चे को आपको वो वैरान लगो शॉक हो गया इतना बड़ा हादसा उसके वीडियो फोटो सही ऐसे में रखो ही देर अलग चल रहा है अल्लाह के वास्ते इसके ऊपर आपके सब जने मिल को बच्चे के ऊपर एक्शन लियो बच्चे को अच्छा होना हो और शरीफ को भी जो है तुम्हें बुला को उसे बात करना बेहतर है क्योंकि शरीफ तनवीर शेख साहब का बहुत नाम बनो डैमेज कर लगो जाए उनका सब आपने सुना है तमाम चीज़ें जिस तरह से नाम लिया जा रहा है जो मामला है उससे बरक दूसरा हो रहा है अब क्या अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद मुमताज अहमद सेक्रेटरी मैसूर डिस्ट्रिक्ट रिलीज कमेटी मोहम्मद इस्गान शरीफ 9 साल का बच्चा सन्नाफ इरफान शरीफ उदयगिरी मुकामी उदयगिरी के जैसे ही तनवीर शेख साहब को इत्तला मिली इसके तो उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि हॉस्पिटल जाकर चेक करें कि क्या हादसा हुआ है तो फौरन हमने यहाँ आकर डॉक्टरों से मुलाकात की और बच्चे को जो ICU में मौजूद है एडमिट है जेरा इलाज है उसकी हमने पूछताछ की तो पता चला कि बच्चा जो है इलेक्ट्रिक शॉक से तकरीबन 20-30% का बर्न हुआ है जेरे इलाज है अंडर ऑब्जर्वेशन है इंशाल्लाह कल तक जो है वार्ड में शिफ्ट होने के चांस है मगर जेरे इलाज जेरे ऑब्जर्वेशन में डॉक्टरों से बात की है यहाँ पे और डॉक्टरों से बात हुई है इंशाल्लाह जेरे इलाज है कल तक ऑब्जर्वेशन में कल पता चलेगा कि क्या बच्चे का कंडीशन कुछ आपकी डिस्ट्रिक्ट कमेटी से कुछ एड मिलेगा इनको इंशाल्लाह कोशिश उसकी की जाएगी जो भी होगा हम उसकी फॉलोअप करेंगे और इनके बच्चे के लिए और बच्चे के वालिदैन के लिए जो भी लीगल और जो भी ज़रूरत है उसके लिए हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे ठीक है।